<laughs> भाई अब जनता का थोड़ा सस्पेंस तोड़ते हैं तो जैसे हर जॉनर के भाई आए तो वो लक्ष्मी जी कितनी लेकर आए और कैसे क्योंकि भाई इंस्टाग्राम पे ब्रांड्स तो चलो बूम कर ही है उसके आ, अलावा भी कोई तरीका है इंस्टाग्राम से यूट्यूब शॉर्ट्स हमें पता है कि बोनस देता था यूट्यूब एक टाइम पे उसके अलावा भी कोई तरीका था क्या हैक्स थे कुछ बताओ उससे भाई, भाई मैंने अभी एक वीडियो भी बनाई थी कि एक लड़का जिसका नाम शिवम था और शिवम लिखा है पंद्रह हजार रुपए की नौकरी करता था और पंद्रह हजार की नौकरी करते करते उसने दो में सिर्फ इंस्टाग्राम से एक करोड़ साठ लाख रुपए कमा लिए एक करोड़ साठ लाख तो मैं बताता हूँ कैसे कमाए और ये मैंने कम कमाए हैं जो जनता बाकी बैठी हुई है वो बहुत और पर ऐसी भी जनता है जिसके मेरे जितने फॉलोअर्स हैं वो हजारों में और लाखों में कमा पा रही है तो भाई इंस्टाग्राम पे ऐसा है कि ब्रांड कोलेब्रेशन करता हूँ मैं ब्रांड कोलेब्रेशन करता हूँ जैसे आपने कोई आपने कोई भी जैसे आपकी साड़ी की दुकान है या आपके जूतों की दुकान है या आपके कपड़ों की दुकान है आप आए भाई शिवम भाई मैंने शर्ट का, का काम शुरू कराया यार ये ना मेरे शर्ट का प्रमोशन कर दो मैं देखूँ पहले क्वालिटी वॉलिटी सही है नहीं है ऐसे थोड़ी अपनी जनता को कुछ भी बेच देंगे यार अपनी जेब में रुपया डालने के लिए नहीं भाई उधर से वो पलट के जरूर देता भगवान फिर कुछ गलत करते हो तो यह होना चाहिए दिमाग में शर्ट आई क्वालिटी चेक करी तो फिर मैंने बताया दोस्तों मैं ये शर्ट पहनता हूँ और ऐसे ऐसे एक ब्रांड की है ये अच्छी है आप भी ख़रीदिए मैं भी पहनता हूँ और अच्छा कपड़ा है इतने रुपये की है मेरी वीडियो चली दस लाख ठीक है वीडियो दस लाख चली उनमें से दस लाख में से दस हजार बंदों ने भी वो शर्ट खरीद ली तो आपका कितना फायदा हो गया आपको वैसे आपकी शर्ट को वहां तक दस हजार बंदों तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है पर मेरे जरिए कितना जल्दी हुआ आपका और उसका आप मुझे थोड़ा कुछ पैसा दे दोगे बाकी के जो पैसा आपकी जेब में जाएंगे आप भी जीत गए मैं भी जीत गया ऐसे होता है ब्रांड कोलेब्रेशन तो उसका ब्रांड कोलेब्रेशन का हर एक क्रिएटर का अलग अलग पैसे होते हैं मेरे जैसे साढ़े मिलियन है इंस्टाग्राम पर वेरीफाइड अकाउंट है ये भी होता है कि इसका वेरीफाइड नहीं है ऐसा कम मिलेंगे वेरीफाइड है तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं तो बताना जरूरी है सबको कितने तो पैसे ये ही तो सुनना चाह रहे हैं लोग अभी बैठे इसीलिए बोलना कमाता कितना है तो भाई देखो वो ब्रांड टू ब्रांड भी डिफर करता है अगर कोई बहुत तगड़ा ब्रांड है कि जिसको नाम है जिसमें विराट कोहली कर रहे हैं या बड़े बड़े सेलिब्रिटी कर रहे हैं तो मैं एक बार ही सोचता हूँ कम पैसा भी ले लूँ पर बड़े ब्रांड के साथ नाम जुड़ेगा तो अच्छा रहेगा भाई शिवम मलिक भी ब्रांड बनता जा रहा है पर कोई इतना बड़ा ब्रांड नहीं है जो जिसे मार्केट में छाना है ये है वो है तो ठीक है तो फिर भाई एक रील के मैं एक रील के अराउंड देख चेंज होता रहता है हर तीसरे चौथे महीने में ये टीम वीम डिसाइड करती है सारी चीज़ पर अभी जो फ़िलहाल है फिलहाल की करंट सिचुएशन है वो साढ़े सात से आठ लाख रुपए चल रहे हैं एक रील के मतलब आप अपनी शर्ट लेके आओगे तो मेरे आठ लाख रुपए मुझे दो पेटी में तो आपको मैं अपनी जनता दूंगा भाई हाँ फिर मैं उसके बाद आपको भी पेटी में बिजनेस ला के दूंगा अकाउंट में दोगे तो जीएसटी भी दे देना दे और कैश दोगे तो बिना जीएसटी की भी बात हो जाएगी जीएसटी का अठारह परसेंट फालतू तो लगेगा भाई है ना तो ये चीज हो गया अब ये रील का हो गया पोस्ट का इससे कम होता है पोस्ट का जैसे यहाँ आठ लाख हो गया तो पोस्ट का आपने साढ़े चार के अराउंड कर दिया और स्टोरी का उस स्टोरी पे व्यूज जितने चल रहे होते हैं उसके अकॉर्डिंग होता है तो पर ये जैसे मैंने आपको बताया आठ लाख बताए तो इसके अराउंड साढ़े चार मिलियन वाला जैसे बंदा ले रहा है पर मैं उन्हें भी जानता हूँ जो एक मिलियन पे जो बारह बारह लाख रुपये ले रहे हैं तो वो ब्रांड वैल्यू की भी बात होती है पर ऐसों को भी जानता हूँ जो जिसके मेरे से ज़्यादा फॉलोअर हैं और उन्हें एक डेढ़ लाख भी कोई नहीं दे रहा अच्छा, तो ये मार्केट में इमेज भी बनानी पड़ती है उस हिसाब से भी आपको पैसा मिलता है ऐसा नहीं फॉलोअर्स दिख रहे हैं तो बंदा मालामाल है ऐसा नहीं है ऐसा है कि उसने मेहनत कितनी करी इज्जत क्या बना रखी है उसकी इमेज क्या है तब जाके बड़ा अमाउंट निकाल पाता है हाँ जी हाँ जी